वेलकम बैक क्लास। अब स्टैंडर्ड 6 के बच्चों, आप लोगों ने बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट इस चैप्टर को स्टैंडर्ड 7 के साथ पैरेलली सॉल्व किया था, और जिन वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि दोस वीडियोस आर नॉट मेंट फॉर यू, आई होप आप लोगों ने उन वीडियोस को स्किप कर दिया होगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद अ कंप्लीट न्यू फ्रेश टॉपिक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, चैप्टर के हेडिंग में एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है एंड। तो पहले हम खाली रेशो के बारे में सीखेंगे और बाद में हम प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे। ओके, सो नाउ सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेशो। अगर आपकी एकदम सिंपल भाषा में या एक स्टूडेंट लैंग्वेज में मैं समझाऊं, द वर्ड रेशो मीन्स टू डिवाइड। जब कभी भी आप रेशो वर्ड देखोगे ना बेटा, रेशो वर्ड का सीधा मतलब बनता है डिवाइड। आपको खाली डिवाइड करना है। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर डिवाइड करना है तो इसको अलग सा वर्ड क्यों दिया? ऐसा नहीं है बेटा, इसके पीछे का एक थॉट है। वो थॉट क्या है, जब हम प्रैक्टिस सेट में एंटर करेंगे मैं तब डिस्क्लोज करूंगा। तो वन थिंग इज क्लियर, द वर्ड रेशो मीन्स टू डिवाइड। नंबर टू, रेशो का सिंबल कैसा होता है? तो रेशो का सिंबल होता है ऐसा, जिसको आप लोग कोलन के तौर पे जानते हो। जब कभी भी हम लोग डायलॉग राइटिंग लिखते हैं या साइंस के अंदर एक्सप्लेन द टर्म्स लिखते हैं, तब हम लोग कोलन लगाते हैं। सो दैट कोलन इज एज गुड एज द सिंबल ऑफ रेशो। और इसे रीड कैसे किया जाता है? पहले वाले डॉट को रीड करेंगे इस, और दूसरे वाले डॉट को रीड करेंगे टू, तो बन जाएगा इज टू। क्या बन जाएगा? इज टू। क्लियर? सो द थ्री कंसेप्ट्स व्हिच यू वांट टू नो आर, नंबर वन, रेशो वर्ड का मतलब होता है टू डिवाइड, रेशो का सिंबल है ये टू डॉट्स, जिसको इंग्लिश पंचुएशन में हम लोग कोलन के नाम से जानते हैं, और इसे रीड किया जाता है इज टू। कैसे रीड किया जाएगा? इज टू। ठीक है, अब जो आपको बहुत अच्छे से समझना है वो ये है बेटा, जब आप डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करते समय प्लीज आप बड़े टेबल्स का सिलेक्शन करो। फॉर एन एग्जाम्पल, न्यूमरेटर में 12 है और डिनोमिनेटर में 18 है। न्यूमरेटर में क्या है? 12, और डिनोमिनेटर में 18। तो एक ऐसा बड़ा टेबल सोचो जिस टेबल में 12 भी आता हो और उसी टेबल में 18 आता हो। सो द करेक्ट आंसर इज 6, बड़ा टेबल है। कितने बच्चे क्या बोलते हैं, सर पहले 2 से डिवाइड करते हैं ना छोटा टेबल। अरे नहीं पापा, अब आप 7th की तरफ जा रहे हो, और 7th के बच्चे को अगर 6 का टेबल नहीं आता तो जस्ट थिंक, आप 7th में जाने के लायक हो क्या? नहीं ना। इसीलिए सिलेक्ट अ ग्रेटर टेबल, और जब आप डिवाइड कर लो ना तो आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा, एंड दैट फ्रैक्शन शुड ऑलवेज बी कॉमन इन वन टेबल। जैसे कि ऊपर है 12, नीचे है 18, आप 12 और 18 को जब 6 से डिवाइड करोगे आपको आंसर आएगा 2/3। 2 और 3 मैक्स के कौन से टेबल में कॉमन है आप बताओ? करेक्ट आंसर है खाली 1 के टेबल। 2/3 सिर्फ 1 के टेबल में कॉमन हो सकता है और किसी भी टेबल में नहीं। इसी को कहा गया है टू फाइंड रेशो, जिसको दूसरा नाम दिया गया है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म। सिंपलेस्ट, लोवेस्ट, रिड्यूस्ड, इन तीनों का मतलब एक ही होगा, दैट इज आपको डिवाइड करना होगा एक बड़े नंबर के साथ। सो दिस वाज योर पॉइंट्स टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू योर वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। अब हम प्रैक्टिस सेट में एंटर कर रहे हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, सो तब आपको और डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा बेटा कैसे एक सम को सॉल्व करना है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सॉल्विंग ऑफ Q1 ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड